नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम हार्ट टू हार्ट। ये एक सीरीज है जो हम आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम के साथ कर रहे हैं और इसका मकसद है आप लोगों को दिल के लिए अवेयर करना, उसकी बीमारियों के लिए उसको किस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। इसी सीरीज में आज मेरे साथ डॉक्टर कर्नल मनजिंदर संधु हैं। डॉक्टर संधु डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी एंड आर्टेमिस कार्डिक केयर के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका में। थैंक यू जी। सर, हम दिल में कई बार ऐसा होता है जब अपने आप से ही बोलते हैं कि हम दिल की बात सुन रहे हैं। सब लोग शायद करते हैं, बट क्या लोग अपने दिल का उतना ख्याल भी रखते हैं? क्योंकि आप लोग डे इन डे आउट पेशेंट्स को देखते हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? हाँ जी, ये आपने लोग बोलते तो हैं काफ़ी कि हम अपने दिल को सुन रहे हैं, बट जिस तरीके से हार्ट डिजीज बढ़ती जा रही है तो ऑब्वियसली हम उसको उतनी ध्यान से नहीं सुनते हैं जितना सुनना चाहिए, या उसके ऊपर एक्ट नहीं करते हैं। सो हमारे देश में हार्ट डिजीज एवरी ईयर इट इज़ इंक्रीजिंग बाय 25%। इसका जो मेन कारण है कि एक तो अर्बनाइजेशन होना, फूड हैबिट्स खराब होना, एक्सरसाइज नहीं करना, ये सब चीज़ें और बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ जो डायबिटीज़ होती है, तो इसके चलते हुए हमारे हार्ट डिजीज़ बहुत बढ़ गई है एंड पीपल आर नॉट लुकिंग आफ्टर देयर ओन हार्ट एज मच एज दे शुड बी। तो मैं तो यही सबको बताना चाहूँगा कि आप सिर्फ सिंपल जो चीज़ें जो आपके हाथ में हैं, जैसे कि हेल्दी फूड खाना, कीपिंग ऑयल एंड अदर फैट्स लेस इन द फूड, ईटिंग मोर ऑफ सैलड वेजिटेबल्स एंड लेस ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड एंड हाई कोलेस्ट्रॉल फूड, फास्ट फूड नहीं खाना, रेगुलर एक्सरसाइज रजीम होना चाहिए जिसमें आप डेली ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग या कोई भी कार्डियो एक्टिविटी कर रहे हों, एंड उसके साथ साथ अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो यू शुड लीव स्मोकिंग। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, दवाइयाँ हैं, निकोटीन पैचेस हैं, निकोटीन च्युइंगम है, एंड अगर आपको बाय चांस ब्लड प्रेशर या शुगर है या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हैं तो उनकी जो अप्रोप्रिएट दवाई होती है जो डॉक्टर बोल रहे हैं उसको रेगुलर रखें। तो ये सब करके आप अपने दिल को सुन सकते हैं और उसका ख्याल रख सकते हैं। सर, पहले होता था कि हार्ट की डिजीज जो है जनरली शहरों में ही रहती थी, रीजन कई सारे होते थे, लोग कहते थे, बट मेरे ख्याल से अब जो ये बीमारी है ये शहरों की सीमाएं पार कर चुकी है और अब छोटे छोटे शहरों, कस्बों, गांव तक भी जा रही है। वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन सब के लिए किस तरह के आपको लगता है इंतजाम होने चाहिए या किस तरह से उनको अपना ध्यान रखना चाहिए? ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारे पहले वाले गांव थे वो गांव नहीं रहे, वो सब शहर बन गए हैं। आप कुछ साल पहले देखें जैसे NCR के आसपास रेवाड़ी गांव होता था, आज शहर है, भिवाड़ी गांव होता था वो भी आज शहर है। तो ये सारी जो छोटे छोटे गांव वगैरह होते थे वो आजकल शहर बन गया, और उनमें भी जो हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन आ गई है। आप छोटे से छोटे शहर में भी आप जाके देखें तो ये सब मिलते हैं फास्ट फूड, तो उनका खाना खाने का तरीका भी चेंज हो गया है, वो लोग भी मोर अर्बन खाना खाने लग गए हैं, और उसके साथ साथ थोड़ी अगर प्रॉस्पेरिटी हो गई है तो वो अपना काम जो करते थे खेतों में जाते थे वो भी बंद हो गया है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे कोई और कर रहा है, और इससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो गई है। तो जो बीमारियां हम शहर में देखते हैं वो अभी स्लोली स्लोली गाँवों की तरफ भी आ गई हैं, और शहरों में उस लेवल की हेल्थ सुविधाएं नहीं हैं जितने की अभी बड़े शहरों में हैं। तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है कि जब वहाँ पे हार्ट की तकलीफ होती है तो आदमी कहाँ जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक आर्टेमिस कार्डियक केयर वेंचर स्टार्ट किया है, ये फिलिप्स के साथ एक जॉइंट वेंचर है, और आर्टेमिस कार्डियक केयर का मकसद है कि हम जिन शहरों में क्वालिटी कार्डियक केयर नहीं है वहाँ पे हम कैथ लैब्स और सारा सेटअप एक अच्छे हॉस्पिटल में, जो कि वहाँ पे सबसे अच्छा हॉस्पिटल हो, वहाँ पे हम सेटअप करें ताकि उस एरिया के लोगों को अच्छी हेल्थ की फैसिलिटीज़ उपलब्ध हो। तो ये हमारा प्रयास है कि हम ये सब कम से कम अगले 2 साल में 30 शहरों में ऐसे सेंटर्स खोल सकें। अभी ऑलरेडी हमने 5 जगह पे खोल के रखा हुए हैं,
ये हमारा कार्डियक केयर अफोर्डेबिलिटी और पेनिट्रेशन टू स्मॉलर सिटीज़ के लिए ये हमारा प्रयास है कि हम ये कर पाए। सर, एक आजकल एक बहुत बहस का विषय बना हुआ है, सौरभ गांगुली को हार्ट अटैक आया और वो बहुत अच्छा खाना भी खाते थे, अपनी फिटनेस का भी बहुत ध्यान रखते थे, एंड आई एम श्योर बहुत अच्छी डाइट लेते थे। क्या ये काफी रहा या कुछ और भी वजह हो सकती है सब चीजों की, क्या ध्यान रखना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। जैसे मैंने आपके पहले सवाल के अंदर जवाब दिया था कि आप अपने आप को डाइट, एक्सरसाइज, वेट, मोटापा, आपके अपने ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्मोकिंग के बारे में आप अपना कंट्रोल रखें, तो वो सब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ये मतलब कि जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, और बहुत सारे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका जेनेटिक मेकअप, जो जीन्स आपकी बॉडी कैरी कर रही है, जो आपने इनहेरिट किए अपने फादर मदर से। तो अगर आपके फादर मदर को हार्ट की प्रॉब्लम थी, आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने का बहुत बहुत ज्यादा चांस है, जो कि आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। तो ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो जैसे कि सौरभ की कंडीशन में मुझे क्लियर नहीं है कि उनकी फैमिली हिस्ट्री थी या नहीं, पर हो सकता है कि फैमिली हिस्ट्री हो, जो वो चाहे अपनी सेहत का काफ़ी ध्यान रखते थे, एक्सरसाइज करते थे, डाइट अच्छी रखते थे, फिट भी हैं, बट फिर भी उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ। मोस्ट लाइकली ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं, और जिस तरीके से एनवायरनमेंट हमारे जीन्स के साथ इंटरप्ले करता है, वो भी हमारे हाथ में नहीं। इसका मतलब है कि जो हमारे हाथ में है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि हम उसको जिसको मॉडिफाई कर सकते हैं कम से कम उसको तो करके रखें जो हमारे हाथ में। मैं चाहूँगा आप अगर कुछ हमारे सुनने वालों को कुछ मैसेज देना चाहें। मैं सुनने वालों को सिर्फ यही बोलता रहूँगा कि जो कुछ आपके हाथ में है वो कम से कम पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस करें, ताकि आप हेल्दी रहें। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप जिनको प्यार करते हैं, जो आपके क्लोज हैं, आप उनको उनकी हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू। सो व्यूअर्स, आपने सुना डॉक्टर संधू को। डॉक्टर संधू ने हमें कई चीज़ें बताई। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उन्होंने बोला कि एम्फेसाइज किया उस बात पे कि आप जो कर सकते हैं आप वो करें जो आपके हाथ में है। तो अब इसी उम्मीद से कि ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। आप अपने दिल की बात सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, अपने दिल का ख्याल भी रखेंगे। अब आपसे विदा लेता हूँ। सुनते रहें रेडियो द्वारका।